नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में हरियाणा राज्य में और निम्बी गांव में मौजूद हैं। निम्बी गांव में पूरा भारत अच्छी तरह से परिचित है क्योंकि दिव्या तंवर इसी गांव में से IAS लगी है और बहुत ही गरीब फैमिली से थी, राजपूत बिरादरी से थी। हम फिर राजपूत फैमिली में बैठे हैं, तंवर फैमिली है मेरे साथ मौजूद, इनके पिताजी फौज में सूबेदार हैं। विकास तंवर मेरे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट लगे हैं डायरेक्ट UPSC CD करके। तो इनसे सारी बात जानेंगे और मैं कहता हूँ जिनके हौसलों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है वही उड़ पाते हैं साहब, पंख वाले बैठे रह जाते हैं। तो दिव्या तंवर के बाद फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है निम्बी गांव में, सीधा डायरेक्ट राजपूत फैमिली का लेफ्टिनेंट गया है साहब। और तो इस बच्चे से जानेंगे कितनी कठिन भरे रास्ते थे, कैसे पढ़ाई की लेफ्टिनेंट के लिए और कितना मतलब जागना पड़ा, कितना कौन सी किताबें यूज हुई और कहाँ कहाँ पढ़ाई की, इन्होंने सारी बातें से रूबरू करवाएंगे। मेरे साथ तंवर फैमिली से बैठे हैं विकास, कैसे हैं? मैं बढ़िया साहब। तो विकास, निम्बी गांव से आते हैं जी, क्या आपने निम्बी गांव में पढ़ाई की कभी? नहीं, मैंने निम्बी गांव में पढ़ाई नहीं की। मैं बचपन से पहले मैं दिल्ली में पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई 6 to 12 बेंगलोर में की और फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से करी। तो ये लेफ्टिनेंट लगने का क्या आपके पिताजी का माँ का सपना था या आप खुद का सपना? ये मेरा खुद का सपना था, मैं बचपन से आर्मी एरिया में रहूँ, पापा मेरे आर्मी में थे तो मुझे बचपन से ही शौक था इन सब का, तो मैं बचपन से हमेशा से यही चाहता था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूँ। तो पिताजी ने भी फोर्स किया नहीं आर्मी ऑफिसर बनना? नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा ने, फैमिली ने, किसी ने कुछ फोर्स नहीं किया। उनका सिर्फ यही कहना था कि आपको जो करना है वो कीजिए और बस मन लगा के मेहनत करो ताकि एक अच्छे आदमी बन सको और सक्सेसफुल इंसान बन सको। तो कल विकास का भव्य प्रोग्राम किया गया गांव के अंदर, खुली जीप में बैठा के पूरे गांव में घुमाया गया है, गाजा बाजा, DJ, फूल मालाएं, फूलों की बरसात, यानी कि बहुत भव्य प्रोग्राम किया गया पूरे निम्बी गांव में। बहुत भव्य स्वागत हुआ है इस लड़के का, लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार घर पहुंचे हैं और घर पहुंचने पे भव्य स्वागत के साथ पल के पावड़े बिछाए, पूरा निम्बी गांव बैठा था और राजपूत बिरादरी नहीं, शायद ही भारत में सब बैठे हैं, सबको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये लड़का कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते, दिव्या तंवर कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब राजपूत बिरादरी भी कहने के पीछे नहीं है। अब बच्चे समझ चुके हैं कि साहब अब तलवार का ज़माना नहीं रहा, कलम का ज़माना है। अगर वास्तव में हमें ऊंचाइयों को छूना है, बुलंदियों को छूना है तो कलम को पकड़ना पड़ेगा और कलम ही वो रास्ता है जो शिखर में लेके जाएगा। अगर तलवार पे बैठे रहे तो साहब कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज का दौर कलम का है, भली भांति युवा पीढ़ी समझ रही है और निरंतर राजपूत समाज के बच्चे भी कहीं ना कहीं आगे जाते जा रहे हैं। विकास, अभी आपने जब पढ़ाई की, यहाँ से शुरुआत की, तो कहाँ से शुरुआत की, कहाँ से, जैसे पहली कक्षा में? मैंने स्टार्टिंग हमारी, जब मैंने दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं है, मैंने पहले पढ़ाई वहाँ से शुरू करी। मैं 5th class तक वहाँ पे पढ़ा, फिर उसके बाद मैं मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, उसका एग्ज़ाम दिया और उसमें पास होके और मैं वहाँ पे गया 2009 में। 2009 से 2016 तक मैंने बैंगलोर में ही स्कूलिंग करी है, 12th तक। उसके बाद मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था बट मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी दिल्ली से और फिर उसके बाद मैंने अभी अपना एग्ज़ाम दिया UPSC CDS, जिसमें मेरा क्लियर हुआ। कितनी बार UPSC CD? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था UPSC CDS। तो दो बार कहाँ चूक गया? उस टाइम पे मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया था, तो पढ़ाई में कुछ कमी रह गई होगी। मैंने फिर से जो भी मुश्किलें आई थी मुझे, जो भी पढ़ाई में कमी थी उसको फिर से और अच्छे से किया और अच्छे से प्रिपेयर किया और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया और पास किया। मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपने इतनी बड़ी कठिन परीक्षा पास की, 3rd अटैम्प्ट किया, तो घर वालों ने प्रेशर नहीं बनाया यार आप बार बार फेल हो रहे हो, ये रास्ता छोड़ दीजिए, दूसरा रास्ता अपना लीजिए? नहीं, ऐसा कुछ भी घर वालों की तरफ से प्रेशर नहीं था। एक्चुअली मेरा इससे पहले मैंने CDS के साथ साथ FCAT भी दिया था, FCAT भी मैंने 3 बार क्लियर किया है जिसमें से मैं 2 बार मेरिट आउट हुआ था, मतलब मेरा रिटर्न भी क्लियर हुआ था,
इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था और मेडिकल भी, लेकिन फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें मैं आउट हुआ था। तो घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था और उनको एक उम्मीद थी कि हाँ मैं फिर से एक और बार क्लियर कर सकता हूँ और मेरिट लिस्ट के अंदर इन हो सकता हूँ और फाइनली जॉब पे जा सकता हूँ। एफकैट थोड़ा विस्तार से बताइए। एफकैट जैसे यूपीएससी सीडीएस होता है, ऐसे एफकैट होता है, ये एयरफोर्स के लिए होता है। एयरफोर्स में जो ऑफिसर लगते हैं फ्लाइंग। क्लियर हुआ फिर भी नहीं गए आपके? हाँ, क्योंकि उसमें जैसे क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, पहले रिटर्न होता है, जिनका रिटर्न क्लियर होता है उनका इंटरव्यू होता है, जिनका इंटरव्यू होता है उनका मेडिकल होता है, और फिर मेडिकल जिनका क्लियर हो जाता है एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये सब कुछ क्लियर करना होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। कितने टाइम मिलते हैं आपको ये लेफ्ट हैंड के लिए, कितनी बार चांस मिल सकता है? इसका एज क्राइटेरिया होता है 24 तक। हम क्या कहते हैं, परमानेंट कमीशन, दो टाइप के कमीशन होते हैं इंडियन आर्मी में, शॉर्ट सर्विस और परमानेंट। तो जो परमानेंट कमीशन है उसकी एज होती है 24 साल तक, और साल में दो बार एग्ज़ाम होता है, तो हम वो दे सकते हैं। और जो शॉर्ट, कितनी साल से? ये हम 21 ईयर से दे सकते हैं। 21 साल से 24 साल तक, साहब आप साल में दो बार एग्ज़ाम होते हैं परमानेंट लेफ्टिनेंट के लिए, आप वो दे सकते हो 24 साल तक, नोट कर लीजिए यह बात। अच्छा, और उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उसकी एज 26 ईयर होती है। तो चार शॉर्ट सर्विस क्या होता है? शॉर्ट सर्विस में क्या होता है कि जैसे परमानेंट कमीशन होता है उसमें आप पूरी नौकरी कर सकते हैं, शॉर्ट सर्विस में क्या होता है कि आप 10 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इंडियन आर्मी पर जाते हैं, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 4 साल तक और। तो मुझे ये बताइए, चलो बहुत अच्छी बात, अभी आपके लेफ्टिनेंट में करियर कैसे लगा, हूँ मैं पहुँच के इतना भव्य स्वागत किया गया आपका? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गांव वासियों ने मेरे लिए इतना अच्छा स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा था। मेरा जो सीना है वो गर्व से बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था मेरे गांव वालों को देख के, मेरे गांव वाले मेरे लिए खुश थे, मेरा परिवार खुश था, मैंने सबका नाम रोशन किया और बहुत ही अच्छा माहौल था गाँव में। सबके मुँह पर बस एक ही नाम था कि हमारे गाँव का नाम ऊँचा हुआ है, पहले दिव्या तंवर और फिर अब मैं, हम दोनों। तो मैं आपसे, आपके पास दोबारा तो भले आपकी बहन शर्मा से बातचीत करें। हाँ बिल्कुल। तो ये है तंवर फैमिली, हम राजपूत बिरादरी में यहाँ मैं बैठे हुए हैं, इसमें कोई जात पात भेदभाव नहीं करती, हम पूरे हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा धर्म एक है, हम सब एक है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले राजपूत बिरादरी को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे जो आज आगे आ रहे हैं, अगर इस लड़के को देख के अगर 20 बच्चे भी कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट की तैयारी करें, तो हम समझेंगे हमारी खबर बनाने का मकसद पूरा हो गया। साहब मेहनत करनी पड़ेगी हर फील्ड में, अगर वास्तव में मौज मस्ती करने आए हैं, आपने सोच लिया खाना पीना मज़ा लेना ज़िंदगी का, तो सब ऐसे ही पड़े रहिए और खा पी के धरती से चलते बनिए। लेकिन भगवान ने हर व्यक्ति को धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई मकसद होता है, और हर व्यक्ति के भाग्य में कुछ न कुछ भगवान लिखता है कि तुम्हें धरती पे जाना है और कुछ करना है वहाँ जाके। लेकिन कई सोते रह जाते हैं और कई मौका कैच कर लेते हैं इन जैसे लड़के। तो जी आपका क्या नाम? स्नेहा तेवर। स्नेहा तेवर, दोनों बहन भाई की शादी अभी नहीं हुई है? नहीं नहीं। ओके। मैं छोटी हूँ। अच्छा, कितने भाई हैं? तीन हैं हम। दो बहन? हाँ, और एक भाई। एक बहन की शादी? नहीं, उसकी भी नहीं है। तो अभी वो क्या कर? वो अभी उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अब वो बीएड कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो सीटेट की तैयारी कर रही है टीचर। तो आप भी बता दीजिए, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ AFMC आर्मी में ही। कितने नज़दीक पहुँचे? अभी तो शुरू किया है। अभी तो शुरुआत है, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। हाँ, आर्मी में? हाँ जी। पूरी फैमिली आर्मी में जाएगी, तो आपकी मम्मी रहेगी, उनको भी तैयारी करवा देंगे? मम्मी थी ना, मेरी मम्मी टीचर थी। अच्छा, टीचर दिल्ली में, टीचर थी इनकी मम्मी। तो अभी बहन का क्या इरादा है? बहन टीचिंग लाइन में जाएगी। तो बहन सबसे बड़ी? नहीं, वो मिडिल बीच की, भैया सबसे बड़े, फिर बहन, फिर मैं। तो अब लेफ्टिनेंट लगे, अब तो शादी की तैयारी करेंगे? नहीं अभी नहीं, अभी ब्रेक, अभी तो लगा ही है जॉब, तो अभी तो खुद की भी कुछ लाइफ है, ब्रेक लेके कर लेगा। क्या बात है, खुद की भी लाइफ है, ये बच्चे है ना, ये बहुत टैलेंटेड बच्ची है, अभी खुद की लाइफ है, जीने दीजिए, हवा में उड़ने दीजिए, ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रही, पैरों में जंजीर अभी नहीं है। नहीं। अगर आप करना चाहें तो बहन नहीं करने देगी? नहीं अभी करनी नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम है। ओके, चलो अब टॉपिक पे आते हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं।
कितनी पढ़ाई की, कौन सी किताब पे फोकस किया? मैंने हर जैसे CDS के लिए 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, GK और इंग्लिश, तो इन तीनों पे फोकस देना पड़ता है, तो मैंने इन तीनों की अलग अलग प्रिपरेशन करी है अच्छे से। मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है एग्ज़ाम सीरीज़ का, जैसे टेस्ट सीरीज़ होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका, टेक्स्ट बुक ऐप आता है उसके थ्रू, और बाकी मैंने बुक्स खरीदी हैं जैसे दिशा पब्लिकेशंस, अरियंत पब्लिकेशन है, ल्यूसेंट्स है, इन सब की GK की अलग अलग बुक आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। NCERT नहीं, मैंने NCERT सिर्फ साइंस के लिए यूज़ करी थी NCERT, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के लिए मैंने पहले अरियंत पढ़ी, ल्यूसेंट, अरियंत की एक मनोहर पांडे राइटर है, उनकी बुक आती है एक बहुत अच्छी GK की, उसमें ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो पढ़ी, देन उसके बाद मैंने ल्यूसेंट भी एक आती है GK के लिए, वो पढ़ी है, देन उसके बाद हर सब्जेक्ट को इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए दिशा पब्लिकेशन है, उनकी बुक आती हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए एक अलग बुक आएगी, ज्योग्राफी के लिए एक अलग बुक आएगी, पॉलिटी के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, तो फिर वो मैंने सारी बुक्स कवर करी हैं। देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक्स खरीदे थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं बहुत सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नेट से मिल जाते हैं, और मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था जिसके अंदर टाइम बेस्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस होती है, मैंने वो करी थी, और इसके साथ साथ साइंस के लिए मैंने NCERT पढ़ी थी साइंस की। देन सिंस मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 12th क्लास तक साइंस ही पढ़ी है, तो वो मुझे लगभग सब कुछ आता ही था। उसके अलावा मैथ्स के लिए मैंने किरण पब्लिकेशंस है, अरियंत पब्लिकेशंस की बुक आती हैं वो करी हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता रहा हूँ मैथ्स की जिससे स्पीड बढ़े। देन इंग्लिश के लिए मैंने ब्रेनन मार्टिन यूज़ करी थी, और उसके अलावा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ताकि करंट अफेयर्स इम्प्रूव हो जाए, और बाकी जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़पेपर से पढ़ते रहेंगे तो हम वो अच्छा होता है इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर अच्छा होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर मैं पर्सनली फॉलो करता था, उसके एडिटोरियल्स पढ़ते रहना, तो उससे क्या है सारी नॉलेज हो जाती है, और उससे सिर्फ UPSC CDS ही नहीं, बाकी सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में हेल्प होता है, UPSC CAPF का होता है, UPSC अगर किसी को प्रीलिम्स देना हो, CSAT जो कि दिव्या धवन ने क्लियर किया, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी हैं और इन सबको सॉल्व किया है। कितनी पढ़ाई करते थे, 6 घंटे 8 घंटे की? मैंने एक दिन में सेट टाइम टेबल बना रखा था, पहले मैं कॉलेज जाता था दोपहर को, जब शाम को 3:30-4 बजे मैं कॉलेज आता था, जब थोड़ी देर रेस्ट करके बाकी उसके बाद मैं शाम को पढ़ने बैठता था। मैं अपने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ने बैठता था, जैसे मैं 6 से 8 पढ़ता था पहले, फिर उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लिया, जैसे डिनर ब्रेक हो गया, बाकी सब घर वालों से अपनी बहनों की कुछ पढ़ाई में हेल्प करनी होती थी वो सब करवा के, फिर उसके बाद मैं 10 बजे से वापस पढ़ने बैठता था, फिर मैं वापस 2 घंटे पढ़ता था, फिर उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक ले लेता था, और फिर उसके बाद लास्ट में जब वो 2 घंटे कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर मैं जो भी दिन में पढ़ा था उसका रिवीजन करता था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 5 घंटे। हाँ ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा सब बच्चों का अपना अपना कैलिबर होता है, किसी को कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आती है, किसी को कुछ चीज़ें कम समझ में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी के हिसाब से बच्चे को अपने आप को ढाल देना चाहिए और उसी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा था कि मेरा पहले से ही बेस था, मैं 12th क्लास में था, मैं तब से तैयारी शुरू कर दी थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरा एक बेस बना हुआ था, तो चीज़ें जल्दी हो जाती थी। अब जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे अब उन्होंने नया शुरू किया तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो यूट्यूब का कितना सारा यूट्यूब के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं मैंने उनकी वीडियो देखी है, या फिर कोई भी अगर सपोज़ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है बुक से तो वीडियोज़ देख के संभाल कर उसको पढ़ाई की, या फिर कहीं पे जैसे मैं ट्रैवल करता था मेट्रो में कॉलेज आने जाने के लिए या उसके लिए, तो उस टाइम पे मैं वीडियोज़ देख लेता था यूट्यूब के थ्रू, इन सब मैं यूट्यूब का सारा ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। कोचिंग भी ली? नहीं कोचिंग नहीं ली मैंने कुछ भी, मैंने सेल्फ स्टडी करी है और सब कुछ खुद से पढ़ा है मैंने, और कोचिंग मुझे मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग की भी ज़रूरत होती है, बट मुझे अपने आप को देख के और अपने जैसे मेरा जो बेस था और पढ़ाई को देख के मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं लगी, मुझे ये विश्वास था कि मैं खुद से पढ़ाई करके कर सकता हूँ। मेरे साथ विकास था और ख़ास बातचीत हुई, मौजूद हैं जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य और सब निम्बी गाँव, हम बताते चलें देवी आतब्र के बाद निम्बी गाँव में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है।
क्योंकि ये देख लीजिए विकास तंवर मेरे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट डायरेक्ट सेना में और परमानेंटली लेफ्टिनेंट यहाँ पे। 3 अटेम्प्ट दिए इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्लियर किया। सबसे बड़ी बात है कोई कोचिंग नहीं ली इन्होंने कई बार से, बगैर कोचिंग के घर पर रह के अपने आप निर्भर होके पढ़ाई की है। यूट्यूब का सहारा जरूर लिया है, बाकी किताबों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और पढ़ाई कितने समय कितनी पढ़ती है वो भी जानकारी दे दी आपको इनके माता जी से। जी क्या नाम? रेखा। आप ही टीचर? हाँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, JBT की हुई है। मैंने इधर गांव वाले स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। तो इतनी पढ़ी लिखी पर जॉब क्यों नहीं दिया आपने? बच्चों की वजह से, कि बच्चों की पढ़ाई इधर, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में, वो बाहर रहते हैं। तो अब आप साथ रहते हैं? हाँ, अब हम साथ रह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब बच्चे आपके सक्सेस हैं तो सबसे ज़्यादा रोल आपका या इनके पापा का? दोनों का। वो तो बाहर रहते हैं ज़्यादा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फ़ोन पे बात बात होती रहती है अपने बच्चों के। जब छुट्टी आते थे तो अपने बच्चों को सब लाइन वाइन बताना, सब करना, उनका भी इतना ही आता है। कैसा लग रहा है गांव में? बड़ा सम्मान? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब गांव में रहने के? हाँ, अभी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग गाँव में। तो बेटे की शादी? वो तो इसी के ऊपर है, जब ये बोलेगा तभी करेंगे। मम्मी का डंडा नहीं चलेगा हिटलर का? नहीं नहीं, अभी बच्चों की खुशी ही। बहुत अच्छी बात है। अपनी बिरादरी में या फिर अपने लेवल की लड़की को लेफ्टिनेंट? वो सब इसी के ऊपर है, इसी पे निर्भर है, क्योंकि 21वीं सदी है भाई, जातिवाद का कोई बड़ा वो महत्व नहीं आजकल। लड़के अपनी पसंद की अपने लेवल के देखते हैं, डॉक्टर डॉक्टरी देखता है और DC देख लेता है, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली पहुँच गए आप, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। आपको पता था अपने बेटे? पहले से ही, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, मेरे पापा आर्मी में कैप्टन से रिटायर हैं, तो मैं उधर से ही पढ़ी हुई हूँ। मैं आर्मी में शुरू से ही, बचपन से ही, फिर मैं इधर आई तब मेरे ससुर भी आर्मी में, और अब मेरे हस्बैंड और अब मेरा बेटा। साहब ये तवर पूरी फैमिली ओत परोत है हिंदुस्तान के तिरंगे में, पूरा रंग रंगा हुआ है, पूरी फैमिली आर्मी से है, पूरी फैमिली, इनके माताजी का परिवार, पिताजी का पूरा परिवार, और बेटा भी अब आर्मी में चला गया और बेटी डॉक्टर आर्मी में जाने वाली है। तो बेटी भी सक्सेस हो चुकी है लगभग, अब इनके शादी कब? नहीं, अभी इसने 12th करके अभी ये तैयारी करी है, कोचिंग ले रही है, अभी देखो इसको कितना टाइम लगता है। इसका भैया, इसका बेटा जो पढ़ता था, आप कितना कोऑपरेट करते थे पढ़ाई में? ये तो अब अपने से ही पढ़ते थे बच्चे, अभी हम जो हमारा अपना अलग तरीका था, अभी जो इस टाइम जो पढ़ाई होती है बच्चों की। अभी कितना कोऑपरेट करते हैं बेटे का? भाई चाय बनाना, कॉफ़ी देना, या बीच बीच में ब्रेक करवाना, कितना क्या कोऑपरेट? वो तो हर माँ बाप, जब बच्चा बोलता है तो वो तो हर माँ बाप करता ही है, तो वो तो करना पड़ता है। तो कभी ऐसा नहीं कहते थे बेटा बावड़ा हो जा, किताब रख दे, ज़्यादा मत? बोलती थी कभी कभी, जब आँख खुलती थी तभी ये मुझे पढ़ता हुआ मिलता था, तो मैं बोलती थी सो जा बेटा, सो जा बेटा। हाँ। हर माँ बाप बोलता है अपने बच्चे को, अब बेटा सो जा प्लीज, तो माँ इतनी कहती थी आपका बेटा सो जा प्लीज सो जा, तो सोते क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे टेंशन रहती थी, एग्जाम क्लियर करना था, वो ज्यादा जरूरी था, अगर फिर उस टाइम पे सो जाता तो फिर आज लेफ्टिनेंट नहीं बन पाता। भैया को दिन में वैसे भी टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, कॉलेज था तो वो रात में पूरी पूरी रात पढ़ता था। जिस दिन, जैसे मान लो अगले दिन कॉलेज की छुट्टी है, संडे है, तो सैटरडे की पूरी रात भैया पढ़ता था। अगले दिन उसको पता था कि फ्री है पूरा, तो वो रात भर पढ़ता था। उनकी पढ़ाई रात में ही, मतलब वो अच्छे से करते थे। तो आप शरारत कितना करते थे? बहुत, मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। तो आपने भैया के सो डिस्टर्ब नहीं किया, भैया को पागल होने से बचा? हाँ, ये भी है। पक्का? अगर आप इनको मस्त नहीं करती तो ये इतनी पढ़ पढ़ के पागल? हाँ, मतलब इतने वैसे भी ये हो चुके थे पढ़ पढ़ गए इनसे। तुम मतलब अगर मैं पढ़ रही हूँ और मैं कोई भी क्वेश्चन कर लूँ, मेरे सब्जेक्ट का, आउट ऑफ सब्जेक्ट का, कहीं का भी कुछ भी पूछ लूँ, इनको वो आता था, कुछ भी पूछ लो उनका जवाब इनको आता था। मतलब इतना पढ़ चुके थे, दिमाग में इतना सब था कि मैं कुछ भी पूछ लूँ एक सेकेंड में, हाँ इसका आंसर ये ऐसे ऐसे होता है। आपने आइडिया लगाया, थोड़ी सी मस्ती हो जाएगी, नहीं तो भाई को फिर पकड़ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने इन्हीं पे। इंग्लिश स्कूल से हुई, बिल्कुल छोटा था तब मैं स्कूल, यहाँ गीतांजलि स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो इसकी शुरुआत इसी गीतांजलि स्कूल से हुई है। ये LKG UKG यहीं से पढ़ के फर्स्ट से दिल्ली पढ़ा है जी। ये मेरे साथ
छोटा सा प्यारा सा बच्चा बना, क्या पिताजी क्या नाम बताया? समुंदर सिंह। समुंदर सिंह तवर का आले बेटा है, निम्बी से सीधा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ साहब, जब हम चलते हैं अकेले होते हैं लोग ताने मारने शुरू कर देते हैं, ये बनेगा लेफ्टिनेंट, ये जाएगा सेना में, पता नहीं क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन दुनिया का काम कहने का है, वो दुनिया पे छोड़िए, दुनिया क्या कहेगी। जब आप पागल हो जाएं, इससे ज़्यादा किसी चीज़ को बिचाने लग जाएं और लोग आपको कहने लग जाएं ये तो बावड़ा गछोरा, ये तो पागल हो गयो, ये समझ लेना आप कामयाबी के नज़दीक है। और यही हालत हर इस ऐसे बच्चे में बनती है, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी बनाओ, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर एमबीबीएस। किसी का भी मैंने इंटरव्यू किया है, हद से ज़्यादा पागल बन के ही उस चीज़ को चाहा जाता है, किया जाता है। एफिडेविट लेके लिख लीजिए आज से, आप सिर्फ 5 साल दे दीजिए अपने लाइफ के, 5 साल। अगर 5 साल में आप कामयाब नहीं हो ना, तो आप, मैं जुम्मेवार बैठा हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि हद से ज़्यादा जुनून से ज़्यादा प्यार करके मोहब्बत करके सिरफिरा बन के उस चीज़ को चाहना पड़ेगा, जैसे इस बेटे ने किया है। क्योंकि इतना खो जाता था पढ़ाई में, इसको याद नहीं रहता खाना कहाँ रख गया आपका, खाना कब ठंडा हो गया, चाय कब रखी रहेगी आपकी, कौन आ गया कौन चला गया घर से। जब आप सोच लेना मैं कामयाबी के रास्ते पे हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये अभी आपने लास्ट लाइन बोली ना कि कौन आया कौन गया, ये हमेशा से था इनका। 6th क्लास में ये बैंगलोर चले गए थे पढ़ने के लिए, 12th करके ये आए थे वहाँ से। तो 6 to 12 घर में जो फंक्शन था, जो शादी थी, बहन भाई कज़न, कोई इनका इंट्रैक्शन नहीं था, कहीं पे आना जाना नहीं था। 12th के बाद ये 12th करके दिल्ली आए, फिर ये हमारे साथ रहते थे। तब भी अगर किसी का फंक्शन है, शादी है, ये कभी, इन्होंने कभी कुछ अटेंड नहीं किया, कभी। सबसे दूर सब सिर्फ पढ़ाई में थे, कभी किसी का फंक्शन हो गया, पार्टी हो गई, कुछ भी नहीं हुई। छोटा सा था तभी मैंने ये सपना देखा था कि ये एक दिन आर्मी अफसर बने और वो यूनिफॉर्म पहने, आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। पूरा हो गया है, अब बेटी पूरा करने वाली है साथ। हाँ, डॉक्टर बन के आर्मी में। हाँ, तो ये बेटी जो बता रही है, मैंने हरियाणा में हर आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू किया है, हर लेफ्टिनेंट का मैंने इंटरव्यू किया है, ये बेटी जो बता रही है सच्ची बात है। यारे प्यारे रिश्तेदार छोड़ने पड़ते हैं, अपनों को छोड़ना पड़ता है, शादी छोड़नी पड़ती है, फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं साहब, हर चीज़ से वंचित होना पड़ता है, जब जाके तब के कहीं ना कहीं निखर के सोना बनता है। और यही इसी बेटे ने किया है। कभी यारो प्यारे रिश्तेदार, मुआ फफा मोमा भतीजा जीजा साली, दूर दूर के रिश्तेदारों, कभी फ़ोन नहीं आता था यार, तू मिलने क्यों नहीं आता यार, तू हमसे बात क्यों नहीं करता, कभी कहते हैं? हाँ हाँ, आता था, लेकिन वही है, एग्ज़ाम यूजुअली क्या होता था, जैसे जिस टाइम पे छुट्टी पड़ती है या कुछ होता है उस टाइम पे, फिर मेरी भी होती थी ऑफ, और उस टाइम पे आपको पता है जब छुट्टी रहती है तो वही एक सबसे ज़्यादा टाइम होता था पढ़ने का, क्योंकि अगर उसमें भी अगर गवा देंगे तो कॉलेज मेरे को जाना आना होता था, तो उसमें वैसे ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, तो उसकी वजह से मैं कहीं ज़्यादा बाहर निकलता नहीं था और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान था। पढ़ना पड़ेगा, अगर मौज मस्ती करनी है तो सब कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, अगर रिश्तेदारी निभानी है तो भी कामयाबी नहीं मिलनी, आप रिश्तेदारी में निभाते रहिए। अब पूरी लाइफ इनकी रिश्तेदारी निभाने में निकल जाएगी, आराम से निभाइए, बहुत ऊंचे शिखर पे बैठे हैं ये। कुछ दिन बाद ये बेटी भी यहाँ डॉक्टर बन के आएगी, एमबीबीएस आर्मी में ड्रेस डाल के, इनका भी भव्य स्वागत होगा। इसी तरीके से, इससे और अच्छे तरीके से, ये बात है। हाँ, बात है। आप कैमरे में बोल के बताइए, क्या नाम था? स्नेहा तवर। स्नेहा तवर का वादा है कि इससे भी भव्य प्रोग्राम, आर्मी की ड्रेस में स्नेहा तवर, बहुत ही जल्दी भव्य प्रोग्राम निम्बी में होगा, देखते रहेंगे सब। हाँ, अगले 2 साल में हो जाएगा जी। क्यों जी, बेटी ने वादा किया है। हाँ, अगर ये भैया की तरह मेहनत करेगी, हर बच्चा अगर मेहनत करता है तो जो सोचता है वही होता है जी। और हम यहाँ पे आज तवर फैमिली के साथ मौजूद थे, लेफ्टिनेंट लगा है, बड़ी खुशी है पूरे गांव को, पूरे समाज को, और ख़ासकर राजपूत बिरादरी को, क्योंकि बिरादरी कुछ पिछड़ती जा रही है, नशाखोरी और दहेज प्रथा को लेके बहुत मुश्किल हो रही है, तो कुछ दहेज प्रथा को लेके राजपूत समाज में एक हाथ का दो हाथ का गहना लंबा होता है कुछ? वो हाँ, मतलब वो सबके अलग अलग बिलीव हैं कि हम पीछे से चलता आ रहा है कि गहना। अच्छी बात नहीं, 21वीं सदी है, जवान। हाँ, वो
वही तो बता रही हूँ कि वो उन लोगों की पिछली सोच चलती आ रही है, तो उनको ये है ही नहीं कि कुछ बदला है कुछ नहीं बदला है, उनको बस ये है कि राजस्थान में शादी कर रहे हैं, दो हाथ का गहना है, एक का है, दहेज है, गाड़ी देनी है, वो कहते हैं कि थाली में इतना डालना है, तो वो उनका वो सोच चलती आ रही है, इनको ये होता है कि उसने इतना डाला हमारे वाले में इतना आना चाहिए, तो वो उनकी सोच बदल ही नहीं रही है आज के ज़माने के हिसाब से, ये बहुत गलत चीज़ है। तुम कर रहे हो शादी तो तुम लड़की लड़का थोड़ी ना खरीद रहे हो एक दूसरे का, तुमको अगर तुमको करनी है तुमको लड़की से ही मतलब है, लड़की से ही मतलब है, तो दहेज लेने का क्या मतलब है तुम्हारा, अगर तुमको लड़का लड़की चाहिए दूसरे फैमिली से, पैसे लेना, हाँ पैसे लेके करोगे तो वो तो ये हो जाएगा कि वो सामने वाला खरीद रहा है तुम बेच रहे हो, और तुम दहेज लेने वाली जगह भी शादी नहीं करनी चाहिए और लेना देना तो होना ही नहीं चाहिए। सलूट करता हूँ उस बेटी को, युवा पीढ़ी बदलेगी समाज को, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, और ये दहेज प्रथा भी बहुत जल्दी खत्म होगी, एक हाथ दो हाथ का गहना, क्योंकि गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगी। आजकल बेटियां भी उतना ही कमाती हैं जितने बेटे कमाते हैं, ये नहीं करना चाहिए कि भाई लड़की आज कई पहले ये होता था कि अरे बेटी हो गई, पर आज ऐसे माँ बाप हैं बहुत सारे, अभी दिव्या तंवर को ही देख लो, उसने पूरे समाज पूरे डिस्ट्रिक्ट मतलब दिल्ली तक सब जगह कि देखो एक लड़की ने IPS बनी है, आज वो कितना कमाएगी, कितनी इज्जत कमाई है उसने, मतलब एक लड़का भी आपकी तो आपकी भी तो इज्जत कम नहीं है लेफ्टिनेंट। नहीं वो उनकी मैं ऐसे बता रही हूँ, वो वाली सोच जो दहेज वाली है कि एक बेटे के बराबर बेटी कमा, भी तो वादा करना पड़ेगा, आपका बेटा लेफ्टिनेंट है, आपको ओडी गाड़ी देने वाले, दो दो करोड़ की बंगला गाड़ी सब देने वाले आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। देखो ये गलत है, हमारे मेरे भी दो दो बेटियां हैं, और किसी गरीब की अगर मान लो जैसे डिमांड रख दी कि इतना चाहिए, और एक गरीब तो फिर शादी ही नहीं कर पाएगा, सब लोगों को यही करना चाहिए कि दहेज ना लो और ना दो, पर ये एक समाज ऐसा है। आप नहीं लेंगे? हम नहीं लेंगे। बेटियों की चिंता मत करो, बेटी आपकी असली छत्राणी है, वो दहेज प्रथा को खत्म करके छोड़ेगी, खुद डॉक्टर बन के अपने आप शादी करेगी, दहेज रहित शादी करेगी, वादा कीजिए आप। हाँ। ना दहेज नहीं देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसा है कि ये मेरी ही सोच नहीं है, मेरी ऐसी सोच इसलिए क्योंकि फैमिली ऐसी है, मेरे पापा जो हैं मतलब जैसे अभी भी हंसी मजाक में अगर बात हो जाती है भैया की कि यार कहाँ पे कैसे शादी करेंगे, तो उनका हमेशा से माइंड सेट यही है कि भैया की कहीं पर भी करें लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ कुछ भी, हाँ किसी को लेना देना थोड़ी है, अगर तुमको एक बहू ही चाहिए तो तुम पैसे देके थोड़ी ना लोगे, तो पापा की हमेशा से ये सोच रही है, पापा की वजह से ही हमारी रही है कि ना पैसे लेने हैं ना देने हैं। बिल्कुल। कितनी उम्र? मेरी 18। ये इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं कहाँ, किसने सिखाई, दादी अम्मा की तरह कहाँ से निकल के आ रही है ये, मतलब फैमिली की वजह से ही है, मतलब कब मम्मी पापा हमेशा से ऐसा, मतलब कई पेरेंट्स होते हैं कि बचपन के टाइम में ऐसे फ्री छोड़ देंगे तुमको, लेकिन मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा टाइम टू टाइम हर एक बात सिखाई है कि इस टाइम पे ऐसे और इस टाइम पे ऐसे, जिस अगर जो तुम, ये मेरी भी एडवाइस है कि सबको इतना सिखाना चाहिए ताकि तुम कम एज में ही इतने मैच्योर हो जाओ, अगर तुम कम एज में मैच्योर हो जाते हो तुम्हें ये पता होता है कि अभी लाइफ बना लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर खेलते रहना लाइफ टाइम। मेरी मम्मी एक बात कहती थी कि या तो 2 साल खेल कूद लो पूरे साल रोना, या फिर अभी तुम मेहनत कर लो ताकि पूरे साल हमेशा तुम खेल कूद सको, तो उस वजह से इतना दिमाग मम्मी ने ही डाला है। लेफ्टिनेंट साहब दहेज में क्या लेने वाले हैं? मैं तो कुछ भी नहीं लूं, कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी फैमिली मिली है मुझे पहली बार, सलूट करता हूँ मैं राजपूत बिरादरी को, इस फैमिली को तवर, क्योंकि बेटी की सोच देख लीजिए, डॉक्टर बनने वाली है आर्मी में, बेटा लेफ्टिनेंट बन चुका है निम्मी में, दिव्या तर्व के बाद पहला बड़ा पोस्ट पे गए हैं, और बेटी का बहुत भव्य सम्मान होने वाला है, 2 साल वही रुक जाइए आप। माताजी की सोच देख लीजिए, इनके पिताजी की, ये कहें हमें दहेज ना लेना ना देना है, और ये ही हम चाहते हैं इन जैसे युवा आगे आएंगे, और एक हाथ का दो हाथ का गोला बहुत जल्दी खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो इन सभी पूरी फैमिली का मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि दहेज के लिए बहुत अच्छी बात बोली है, और शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत जल्दी फिर दोबारा होंगे और बेटी का इंटरव्यू करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।